वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं ये आई मेकअप लुक क्रिएट करूंगी। तो हमें इन ब्रशों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें से मैं सिर्फ तीन ही यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं ये आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड आई एम टेकिंग दिस ब्राउन मैट शेड। एंड मैं इसी पैलेट से अपनी आईब्रोज भी करूँगी ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करना पड़े, इसी पैलेट में पूरा आई मेकअप लुक क्रिएट हो जाए। सो मेरी आईब्रोज ऑलरेडी शेप्ड हैं एंड मुझे ज़्यादा मोटी आईब्रोज करनी नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इन द ब्राउज एंड नॉट गोइंग टू डू मच ओवर। ऐसे ओवर क्रिएट नहीं करती हूँ आईब्रोज, ना मैं करती हूँ एंड आई डोंट प्रिफर दैट, क्योंकि वो अलग ही फेक लगता है। सो आई डोंट डू दैट एंड बस मैं फिल इन कर रही हूँ ब्राउज को। और हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हम आगे के पोर्शन को थोड़ा सा छोड़कर ही ब्राउज फिल करें, बिकॉज आगे के पोर्शन में क्या होता है कि हमें इतना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है, दैट्स लुक्स वेरी ऑड। तो मैं यहाँ पे बहुत कम यूज़ कर रही हूँ आगे। नाउ सी, बस हल्का सा जो ब्रश में बच जाता है। सो टाडा, आई एम डन। तो इस आई का मेकअप मैंने कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑन दिस आई। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम टेकिंग दिस वाइट मैट पाउडर जिससे मैं अपनी पूरी आईलेट को सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीजिंग ना हो जब भी हम आई शेडो को लगाएं या ब्लेंड करें। सो अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे एंड नाउ आई एम टेकिंग द ट्रांजिशन शेड, दिस वन। सो आई एम गोइंग टू पुट द शेड ऑन माई क्रीज। और हम क्रीज पे जब भी कोई शेड लगाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आईज में, तो क्या होता है व्हेन वी पुट एनी कलर ऑन अ क्रीज, इट गोइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन ताकि हमारी आईज को एक डेप्थ दिखे और डेप्थ लगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑरेंज कलर एंड इसे लेने के बाद इसमें जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसे मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे आईज पे ना लगे। उससे क्या होता है कि फॉल आउट्स होने के चांसेस होते हैं, सो डस्ट ऑफ कर देना चाहिए हमें एक्सेस प्रोडक्ट। नाउ आपको ब्लेंड करना है और हमें जो जितना भी कलर हम ले रहे हैं उसको हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कॉर्नर ऑफ द आईज पे ही डिपॉजिट करें एंड जितना एक्सेस है उससे हम ब्लेंड इन करें ताकि हमारा जो भी कलर ज़्यादा है या कलर पे ऑफ जो हमें चाहिए वो हमारे आउटर कॉर्नर्स पे ज़्यादा दिखे। और अंदर की साइड ब्लेंड इन करना है, बस दैट्स इट। वी डोंट हैव टू पुट मोर कलर। नो आई एम गोइंग विथ मोर डार्कर शेड फ्रॉम दैट, इट्स गोइंग टू बी अ बर्न ऑरेंज कलर और अ ब्रिक कलर। जैसे हमने एंड से स्टार्ट करना है, कलर को एंड में डिपॉजिट किया और फिर उसे ब्लेंड इन कर दिया ताकि जो कलर पे ऑफ है वो हमारा आउटर कॉर्नर्स पे ज़्यादा रहे एंड जस्ट ब्लेंड। नाउ आई एम गोइंग विद द ब्राउन शेड एंड गाइज वी हैव टू बी केयरफुल विद डार्कर शेड। सो हम इसे स्लाइटली डिपॉजिट करेंगे आउटर कॉर्नर्स पे एंड देन वी गोइंग टू ब्लेंड इट इन केयरफुली। एंड अगर आप चाहो तो आप ये शेड ना भी लो तो भी आप आई लुक क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क एंड डोंट वॉन्ट टू गो विथ सम मोर डार्क शेड्स। सो आप इसके बाद वाला स्टेप बिना ब्राउन कलर यूज करे भी कर सकते हो। सो वी हैव टू ब्लेंड एवरीथिंग वेल। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑरेंज कलर एंड दिस ट्रांजिशन शेड एंड जितना भी बाहर का आउटर कॉर्नर है उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, बिकॉज व्हेन वी यूज़ अ डार्कर कलर जो लाइट कलर्स होते हैं वो थोड़े से फेड ऑफ हो जाते हैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश एंड टेकिंग दिस कलर, इसे हम हमारे लिड एरिया पे लगाएंगे। अब लिड एरिया क्या होता है, जब हम स्ट्रेट देखते हैं ना तो ये जो कट आ रहा है ना, दिस इज आवर लिड एरिया। तो हम इसे अच्छे से उस एरिया पे पूरा डिपॉजिट करेंगे एंड कम्प्लीटली लिड को कवर करेंगे। जो आउटर कॉर्नर होगा उसे नहीं करेंगे हम, उसमें से अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ताकि वो ऐसे हार्श ना दिखे एंड एवरीथिंग शुड लुक इवन। तो हम उसके सारे कॉर्नर्स से उसको ब्लेंड कर देंगे एंड दैट्स इट। नाउ आई एम टेकिंग दिस लैश कलर एंड गाइज इसको आप अगर यूज़ कर सको तो ही करना, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें अपने को पिंच कर लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस लॉरियल का मस्कारा, इसके अंदर वाइट, नॉट वाइट बिकॉज दिस इज़ नॉट वाइट मस्कारा, ये जस्ट एक प्रेप कर देता है हमारे लैशेस को, हमारा जो हम नॉर्मल मस्कारा लगाएंगे उसको उसका कोट लगाने से पहले। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द अनदर साइड ऑफ द मस्कारा विच इज़ नॉर्मल मस्कारा एंड आप अभी देख लो और अब उसके बाद देखना, this going to give you a really voluminous lashes. So हम इसे apply करेंगे and एक दो coat लगाएंगे इसके। And we should use mascara very carefully. हमें हमारा eye look नहीं बिगाड़ना है, so be careful. And voila, we are done.
आई एम गोइंग टू टेक अगेन द शिमर शेड, एंड मैंने आपको जैसे बोला था कि हम इसी पैलेट से सब कुछ करेंगे, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन माई ब्रा बोन्स विद दिस हाईलाइटर, हाईलाइटिंग शेड एक्चुअली, इट्स नॉट अ हाईलाइटर। इससे क्या होता है कि हमारी ब्राउज और आई शेडो के बीच में क्लियर डेफिनेशन हमें दिखती है, एंड ब्राउज बहुत क्लियर दिखती हैं, हाईलाइटेड लगती हैं, सो दैट्स इट। एंड मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि जो मैंने शिमर शेड है वो लिट्स पे कम लगाया है इनर कॉर्नर्स में, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिपॉजिट इट मोर making it look more clear, and voila, we are done. Guys, that's it for today's video. ये look आप कैसे भी carry कर सकते हो, it's not that heavy and it's a basic eye makeup look, and I'm wearing it with a nude lipstick. You can change the option, this eye makeup can go with any lip color. Let's see, मैं आपको change करके बताती हूँ. So I'm changing my lip color and I'm just going to show you कि ये look आपका किसी भी dress, किसी भी outfit, किसी भी lip color के साथ चले जाएगा. तो अभी मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ, दिस शेड इज फ्रॉम मेबलिन 690 शीरिन इन स्कारलेट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको ये शेड देखना हो तो। तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अप्लाई करके बताऊंगी कि आई मेकअप इस शेड, इस लुक के अलावा भी किसी और लुक के साथ आप कैरी कर सकते हो। I'm just changing a very little bit of color, and you guys can see it's going very much well with this shade also. So that's it. And lipstick, jisko lipstick lagate hue bhi dekhna tha to dekh liya is video mein. The beginner series has been completed with this video. So I hope you enjoy this series, and that's it for this video. I hope you like this video, and if you do so, please give this video a big thumbs up and share this video with as many friends as you can. And puri series dekhni ho to click on the I button, main pura playlist beginner series ka dal dungi, so you guys can check each and every video back to back. So stay tuned, bye bye.